नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम जानेंगे राजनीति विज्ञान क्या है, साथ ही इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे, जैसे पारंपरिक परिभाषाएं क्या कहती है, आधुनिक परिभाषाएं क्या कहती है। इस व्याख्यान में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र व महत्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। जब हम अलग अलग लोगों से राजनीति के विषय में पूछते हैं कि राजनीति क्या है, तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपना अपना विचार होता है, या कहें कि एक पर्सपेक्टिव होता है, राजनीति को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। कुछ लोगों के लिए राजनीति सकारात्मक है, जैसे कि वो मानते हैं कि राजनीति जनसेवा है और वो सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं, वो राजनीति को एज अ पब्लिक सर्विस मानते हैं। तो कोई राजनीति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, वे मानते हैं कि जो राजनीति है वो एक तरीके से मैनिपुलेशन है, इसमें घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, और ये एक तरीके से वे टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अपने हितों को साधने का माध्यम है। अब हम जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स शब्द है वो कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ। तो जो पॉलिटिक्स शब्द है वो उसका जो टर्म है वो पॉलिटिक्स से आया, और उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य या सिटी स्टेट। वहीं जो टर्म पॉलिटिसिया है उसका अर्थ है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ स्टेट। अरस्तु ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। अब हम राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं। जो राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं और आधुनिक परिभाषाएं हैं। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है और उसमें लिखा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगेन एंड एंड विद द स्टेट, ऐसा गार्नर कहते हैं। वहीं जो गिलक्राइस्ट हैं उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की जो सामान्य समस्याएं हैं उनका अध्ययन करता है। पॉलिटिकल साइंस डील विद द जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। वहीं पे लीकॉक राजनीति के विषय में, राजनीति विज्ञान के विषय में मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार से संबंधित विद्या है। पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट। वहीं पे गैटल अलग से एक परिभाषा देते हैं राजनीति विज्ञान की, और हम देखते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं वे राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताते हैं, यानी कि उनका जो केंद्र बिंदु है वो राज्य और सरकार है। कुछ मान रहे हैं कि राज्य का अध्ययन है, कुछ मान रहे हैं सरकार का अध्ययन है, और कुछ मान रहे हैं कि दोनों का अध्ययन है। वहीं राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने परंपरागत परिभाषाओं को अपर्याप्त माना। उनका मानना था कि जो परंपरागत परिभाषाएं हैं वो राजनीति के अध्ययन का, राजनीति विज्ञान का के अध्ययन को केवल औपचारिक बनाकर रख देती हैं, और उन राजनीतिक शक्तियों के अध्ययन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है जो सरकार की प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने की कोशिश की, जिसमें अग्रणी विद्वान थे चार्ल्स मरियम, साथ ही साथ जो प्रोफेसर रेंसिन्स हैं और प्रोफेसर लेविन हैं, प्रोफेसर लार्सफेल्ड हैं। इन लोगों ने जो प्रयास किए उन प्रयासों से राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की जो शोध तकनीकियाँ थी उनको प्रयोग किया जाने लगा। अब हम राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं को देखते हैं। तो जो राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं हैं उसमें लार्सफेल की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है एक आनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का
अध्ययन करता है। वहीं मैक्स वेबर की जो डेफिनेशन है वो है कि पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज इन पावर। राजनीति विज्ञान का ध्यान उस संघर्ष पर केंद्रित होता है जो शक्ति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। मार्गेंथो ने राजनीति विज्ञान को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है। पॉलिटिकल साइंस सेंटर्स ऑन द स्ट्रगल टू गेन एंड रिटेन पावर, टू एक्सरसाइज पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर, टू रिजिस्ट दैट एक्सरसाइज। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं इसे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और इसके साथ साथ राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में बताती हैं। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान की कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा देना संभव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। और अधिकतर जो आधुनिक विद्वान हैं वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संगठन है, जैसे राज्य सरकार, इसके अलावा राज्य की क्रियाओं उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम राजनीति विज्ञान के स्रोतों के विषय में चर्चा करते हैं। जो राजनीति विज्ञान विषय है उसकी सीमाओं को निर्धारित करना आसान नहीं है। यह नगर राज्य के विज्ञान के रूप में उभरा, उसके अध्ययन के रूप में उभरा, एक ओर राज्य के कार्यों में गंभीरता और दूसरी ओर राजनीतिक चेतना के साथ साथ राजनीति विज्ञान न केवल राज्य तक बल्कि समाज और शासन के से संबंधित सभी मानवीय प्रयासों तक फैला हुआ है। राजनीति विज्ञान संगठित समाज के इर्द गिर्द घूमता है। राज्य और सरकार इसकी मुख्य विशेषताओं के रूप में माने जाने लगते हैं। राजनीति विज्ञान ऐतिहासिक जांच द्वारा पता लगाता है कि सबसे पहले राज्य कैसे संचालित होता था और सरकार कैसे काम करती थी। अतीत और वर्तमान के साथ साथ राजनीति विज्ञान भविष्य की ओर भी झांकता है। इन द वर्ड्स ऑफ गिलक्राइस्ट, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डिटरमाइंड बाय द इंक्वायरी दैट अराइज इन कनेक्शन विथ द स्टेट। राज्य विज्ञान के क्षेत्र राज्य के संबंध में उत्पन्न होने वाली पूछताछ से निर्धारित होता है। राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक घटनाओं पर सामान्यकरण किया, जर्नलाइजेशन किया और अपने अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस किए। दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, डिस्क्राइब वैल्यू एंड फॉर्मुलेट सर्टेन प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। वे राय व्यक्त करते हैं, मूल्यों का वर्णन करते हैं और राजनीतिक मामले पर कुछ सिद्धांत तैयार करते हैं, जैसे आदर्शवाद, उदारवाद, फांसीवाद, साम्यवाद। राजनीति विज्ञान उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है जिसकी उत्पत्ति अतीत और वर्तमान में हुई है। इन विचारों और अवधारणाओं के अलावा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, राजनीति विज्ञान मानवीय संगठन और संघ, उनके उद्देश्यों, प्रभाव और संगठन पर बात करता है। लोक प्रशासन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राजनीतिक प्रक्रियाओं के व्यवहारिक पहलुओं का पता लगाता है और राजनीतिक दलों, उनके संगठन, उनके क्रियान्वयन, राजनीतिक दलों की विचारधारा, विपक्ष की भूमिका, राजनीतिक व्यवहार, एलिट्स का क्या व्यवहार है, मास का क्या व्यवहार है, विधायिका, न्यायपालिका, सिविल सर्विसेज, ये तमाम जो विषय हैं वे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं कि ये सारी जो एजेंसीज हैं वो कैसे काम करती हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, संगठन और इंसान का जिस भी चीज़ से संबंध है उस तक ये व्याप्त है। तो जो राजनीति विज्ञान है वो एक तरीके से हम देखें बहुत ही इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। और राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ा जाना चाहिए? आधुनिक युग जो है वो लोकतंत्र का युग है, इसलिए हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है।
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान का उचित अध्ययन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए, उनका सलूशन खोजने के लिए, राज्य कैसे बना, कैसे उत्पत्ति राज्य की हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या भूमिका है, ये सब समझने के लिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना ज़रूरी हो जाता है। और जितने पिछले राजनीतिक विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसको जानने के लिए, वर्तमान में जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्या है उसको सुलझाने के लिए राजनीति विज्ञान का अगर अध्ययन होता है तो वो हमें सक्षम बनाता है। राजनीति विज्ञान राजनीति सिद्धांतों को अच्छी तरह परिभाषित करता है, उसे समझाता है और विभिन्न शब्द जिन्हें हम हर दिन यूज़ करते हैं, उसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसको भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। राजनीति विज्ञान का ज्ञान व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसकी क्या भूमिका है उसके लिए जागरूक करता है, संविधान पर प्रकाश डालता है और नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के बारे में भी ज्ञान देता है। राजनीति लोगों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। तो जो राजनीति विज्ञान है वो जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता, न्याय, न्याय की रक्षा कैसे की जाए, तमाम जो विषय हैं उस पर लोगों को शिक्षित करती है। राजनीति विज्ञान देश की राजनीति, प्रशासन के क्या मानक हैं, कैसे उच्च मानकों को स्थापित किया जाए, ये या आने वाली जो सरकार है, जो भावी सरकार है, उसके लिए एक आदर्श व्यवस्था तैयार करने में भी मदद करती है। तो जो राजनीति का ज्ञान है वो लोकतंत्र में लोगों को सतर्क रहने में सक्षम करती है और राजनीति अतीत के अनुभव, वर्तमान के जो अध्ययन है और भविष्य के लिए आने वाले जो भविष्य है उसके बारे में अच्छी तरह सोचने में व्यक्ति को सक्षम बनाती है। सभी राजनीतिक मॉडलों पर लोगों को शिक्षित करती है और गलत धारणाओं को दूर करने का काम करती है और सही जो जानकारी है वो पहुंचाने का काम करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में नैतिकता के महत्व को बताती है, नैतिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। और राजनीति विज्ञान विश्व जो वैश्विक मामले हैं उसको कैसे डील किया जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय वाद है उसकी का क्या महत्व है वो सारी चीज़ों के लिए भी लोगों को अवेयर करती है। तो ये जो राजनीति विज्ञान है वो न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए वरन देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जाना राजनीति विज्ञान क्या है, उसकी कुछ परिभाषाओं पे हमने चर्चा की, उसके महत्व और उसके क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।